हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं फिर से नई जॉब लेकर के। आज की जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाता हूं, डायरेक्ट कंपनी में अपना सीवी शेयर करना सिखाता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि आप किसी भी गलत कंसल्टेंट के चक्कर में ना फंसें, बेमतलब में अपने पैसे खराब मत करें। इतना इतना पैसा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार अपना खराब करके आते हैं, वो मत करें। बहुत मुश्किल से माँ बाप पैसा कमाते हैं, तो उसको प्लीज़ खराब मत करें। और जो भी मैं कंपनीज के बारे में रिसर्च करता हूँ, उसके बाद बात आपको बताता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। अपना CV बना करके रखिए, अपना कवर लेटर अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखिए, ताकि अच्छा सा लगे, प्रोफेशनली लगे, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताता हूँ, तरीके बताता हूँ अप्लाई करने के, वैसे वैसे अप्लाई ज़रूर करते जाया कीजिए। इन केस कोई भी आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए अच्छे से गाइड कर सकूँ किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग आपको भटकाते हैं। देखो, भटकना नहीं है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने तो बड़ी सारी कंपनीज में अप्लाई किया पर मेरी नौकरी नहीं लगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप किसी की बातों में मत आया कीजिए, आपका जो मन करे वो कीजिए, पर प्लीज़ किसी की बातों में आकर के काम करना बंद नहीं करना है। किसी की बातों में आकर के अपना CV कंपनीज में भेजना बंद नहीं करना है। आप अपनी डिटेल्स अपना CV कंपनीज में भेजेंगे, कभी तो आपको कॉल आएगी, कभी तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। मैं कहता हूँ, एक कंपनी में भेजते हो नहीं कॉल आई, दूसरी में भेजते हो नहीं कॉल आई, 10 में भेजते हो तब भी कॉल नहीं आई, तो भेजते चले जाओ ना, रोज़ 10 में भेजते चले जाओ, कभी तो अच्छी कॉल आएगी। और जिस दिन आपकी अच्छी कॉल आएगी, आपको मेल आएगी और इंटरव्यू कंडक्ट होगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या ज़िंदगी आपकी नहीं बनेगी? तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, किसी की बातों में नहीं आना है। और इस वीडियो को भी आगे अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, कलीग्स तक शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार दिलाने में हम अपना एक अहम रोल अदा कर पाएँ, उसको नौकरी दिला पाएँ, उसको उसकी परेशानी दूर कर पाएँ। हम मेरा साथ दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें कि इस दौरान, आज की सिचुएशन ऐसी है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और सभी की हेल्प करना सीखिए, सभी को रोज़गार दिलाना सीखिए। तो मेरा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने सारे कलीग्स का साथ दीजिए, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, सगे संबंधियों का, सभी का साथ दीजिए, ताकि सभी को कहीं ना कहीं अच्छा एक रोज़गार मिल जाए। तो आज की जो भी वैकेंसी है, मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से इस कंपनी के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। चलिए मेरे स्क्रीन पर। तो गाइस, अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा बॉश करियर्स में किस तरह से अप्लाई करना है। आपके सामने मैंने लिखा BOSCH करियर्स, आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुल करके आ गए। देखिए, आप इधर उधर क्लिक जाकर के मत कीजिएगा, बेटर यही है जो लिंक मैं आपको बताता हूँ वहीं पर ही जाकर के क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक लिंक आया है, करियर्स बॉश इन इंडिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंपनी का प्रॉपर एक वेबसाइट खुल करके आ गई। अब इधर आपके सामने एक ऑप्शन आ रही है फाइंड जॉब्स, यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग जॉब्स, ये अहमदाबाद में है, ये बेंगलोर में है, अलग 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 लोकेशंस में ये जॉब्स हैं, ठीक है। देखिए, ये सब इंडिया की जॉब्स हैं। अब इसमें कोई भी जॉब आपको सूटेबल है, मान लेते हैं, चलो मैं स्टार्टिंग वाली जॉब ये ले लेता हूँ, अहमदाबाद वाली, मेरे को असिस्टेंट मैनेजर की ये कंट्रोलिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की जॉब सूटेबल है, मान लेते हैं, पहले तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे को ये सूटेबल है, मैं यहाँ पर जाकर के क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने कंपनी का प्रॉपर पेज खुल करके आ जाएगा। इसमें आप पढ़ लीजिए कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब के डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि सूटेबल जॉब है, तो यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना CV यहाँ पर उठाएंगे, जहाँ पर भी आपका CV पड़ा है, ठीक है। उसके बाद अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे,
रेजिडेंस कहाँ पर है, फ़ोन नंबर क्या है, एक्सपीरियंस अपना ऐड कर देंगे जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन अपनी एजुकेशन ऐड कर देंगे जो भी आपकी एजुकेशन है, एंड ऑन द वेब क्या क्या आपके यूआरएल हैं सारे यहाँ पर डाल देंगे, रिज्यूमे आपका ये आ गया आ चुका है, मैसेज कोई भी हायरिंग मैनेजर को आप डालना चाहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आप अगले उसमें चले जाएंगे, जो जो आपसे पूछा जाएगा आप उसको फिल करते चले जाइएगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, नई फॉर्म फिल हो पाता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का प्रॉपर जवाब देने की, और अभी ही अप्लाई कर दीजिए, वेट मत किया करो, क्योंकि कुछ को मैं देखता हूँ वीडियो देखा और टाइम पास किया और चले गए, नहीं, आपको एक लर्निंग दी जा रही है, अभी ही क्लिक कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बात का काम तो फिर बात का ही होता है, अभी अप्लाई कीजिए आप। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, आप वैसे वैसे अप्लाई करते चले जाइए, इन केस किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आता है कि इस चीज में क्या फिल करना था, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की, और प्लीज अप्लाई कर दीजिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, ये सोच करके अप्लाई कीजिए कि इस कंपनी में आपकी नौकरी लगने वाली है, देखो कैसे नहीं लगती, सोच के अच्छा कुछ करोगे तो जरूर अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहो, ऑल द बेस्ट, और दूसरों को भी मुस्कुराहट देते रहो।